तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से, जहां पर एक कंपनी में आग इतनी भयंकर और भीषण लगी है कि पूरी तरह से वहां पर भगदड़ और चीख पुकार मच गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ फायर ब्रिगेड को भी तुरंत बुलाया गया है। हरियाणा में बढ़ते तापमान के साथ साथ आग की घटनाएं भी हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। ये घटनाएं दमकल विभाग के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। ऐसा ही एक मामला पानीपत से सामने आया है, जहां पर सेक्टर 25 स्थित एक इंडस्ट्री में आज रविवार अल सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी वहां मौजूद नाइट सिक्योरिटी गार्ड ने मालिक को दी। मालिक ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। वहीं मालिक के अनुसार इस आग के चलते उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार हुड्डा सेक्टर 25 में गुप्ता टेक्सटाइल नाम से फैक्ट्री में सुबह लगभग 4:30 बजे आग लगी। उस समय फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जिसने हादसे के बारे में मालिक को बताया। सूचना मिलते ही मालिक राम निवास गुप्ता खुद मौके पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने बारी बारी 3-3 चक्कर यानी कुल 18 चक्कर लगाकर 3 घंटे में इस आग पर काबू पाया।